पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रूरू ने अपने पैंट में सुसु कर दिया था, और तभी वो ही को आके बताता है कि वो अपनी पैंट में सुसु नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उससे उसके पैंट में सुसु हो गया था। तभी बोलता है कि तुम्हें बताया तो था कि बाथरूम किस तरफ है, लेफ्ट राइट में, तुम कंफ्यूज हो गए। तो रूरू बोलता है, हाँ हो सकता है मैं लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो गया हूँ। जब यी और रूरू बात कर रहे होते तभी दरवाजे पे नॉक होता है और वो देखते हैं कि सीईओ बाहर खड़ा हुआ है। तभी रूरू को यी कपड़े पहना रहा होता है और सीईओ बोलता है, क्या तुम लोग रेडी हो गए हो? यदि रेडी हो गए हो तो लंच के लिए हम एक साथ चलेंगे। इतना कह के सीईओ आगे की ओर मुड़ता है और थोड़ी दूर तक जाने लगता है। तभी रूरू को याद आता है कि उसने कुछ सुना था इनग्रिड के बारे में, और वो इनग्रिड यानी इंगेजमेंट के बारे में। तो वो यी को पूछता है कि इंगेजमेंट क्या होता है। ये सुन के यी को एक शॉक सा लगता है। वो पूछता है, कौन इंगेज हुआ है, क्या सीईओ इंगेज हुआ है? तभी रूरू कहता है, हाँ ग्रैंडफादर ने यही कहा था कि सीईओ जो है वो इंगेज हुआ है। रूरू बताता है कि उसे सुसु भी इसलिए हो गई थी क्योंकि उसने ग्रैंडफादर को इंग्रिड बोलते हुए सुना था, यानी कि इंगेजमेंट बोलते हुए सुना था। यी को बहुत गुस्सा आता है ये सोच के कि पहले तो ये सीईओ हमारे पास आया, उसके बाद इसने कहा कि वो मेरा बच्चा ले जाएगा, और अब ऊपर से उसके लिए स्टेप मदर भी ढूंढ रहा है। यी गुस्से में होता है और उठता है और रूरू को कहता है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपना सामान बांधो और हम जा रहे हैं। और रूरू सोच रहा होता है कि अब आगे क्या होगा। दोनों अपना सामान पैक करने लगते हैं और यी अपने मन में सोचता है कि अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे रहते हुए मैं रूरू के लिए कभी भी स्टेप मदर को आने नहीं दूंगा। रूरू पीछे से यी को देखता है और उसे बहुत सारा रेड रंग का स्मोक दिखाई देता है, और उसे याद आता है कि ये वही स्मोक है जो पहले भी उसके पास आ चुका है, और वो बहुत शॉक्ड हो जाता है। यी के मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। उसे लगता है कि जो स्टेप मदर आएगी वो रूरू की पिटाई करेगी, और इसी बात से उसका गुस्सा बढ़ता ही जाता है और रेड स्मोक भी बढ़ता जाता है जो रूरू देखता है। रूरू काफी घबराया हुआ होता है। तभी सीईओ आता है, पूछता है क्या हुआ। रूरू बोलता है, यी को कुछ हो रहा है, पता नहीं वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है, उसमें से सब रेड रंग का धुआं निकल रहा है। तभी सीईओ जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तभी वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, मेरे पास से दूर हटो। और ये कह के वो सीईओ से दूर हटता है और उसका क्रोध उतना ही बढ़ता जाता है। क्रोध के साथ उसका हार्ट रेट भी इतना बढ़ता जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रहा होता है। तभी वो नीचे गिरने वाला होता है और सीईओ से कैच कर लेता है और देखता है कि यी जो है वो फेंट हो चुका है। वो किसी तरह यी को सपोर्ट करता है और रूरू को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द ग्रैंडफादर के यहाँ पर जाना होगा इसे लेके। ये दोनों ग्रैंडफादर के यहाँ पर पहुंचते हैं और वहां पर ग्रैंडफादर से बोलते हैं कि यी की जो तबीयत है वो बहुत खराब है, इसे कुछ तो हो गया है, आप देखो। यी बिस्तर पे लेटा होता है, ग्रैंडफादर उसकी हाथ में पल्स को चेक करते हैं और बोलते हैं कि ये जो इंसान है इसका एंगर जो था वो बहुत ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ये फेंट हो गया है, और ये भी बताते हैं कि इसका मरने का टाइम आ चुका है। तभी सीईओ बोलता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। सीईओ अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि शायद मुझे यी को अस्पताल ले जाना चाहिए। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, नहीं उसे सिर्फ रेस्ट की जरूरत है, उसे अभी रेस्ट लेने दो। सीईओ मन ही मन सोचता है कि इस बार क्या हुआ, ये इस तरह बार बार फेंट क्यों हो जाता है, और डॉक्टर ने तो कहा था कि सिर्फ उसे रेस्ट लेने की जरूरत है क्योंकि वो थोड़ा वीक है, लेकिन कुछ और ही बात लगती है। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि यदि मैं तुम्हें ये कहूँ कि उसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है तो क्या तुम मेरी बात पे भरोसा करोगे? ग्रैंडफादर ये भी कहते हैं कि तुम यंगर जनरेशन जो होती है वो साइंस पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइंस भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती, जैसे ईवल एनर्जी का होना या फिर उसको बहुत ज्यादा एंगर आना और उसकी वजह से उसपे एक निगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ना। और यदि तुम यी को हॉस्पिटल ले जाओगे तो डॉक्टर सिर्फ तुम्हें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे और बोलेंगे कि उसका बॉडी वीक है, इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं करेंगे। ऐसा कह के ग्रैंडफादर जाने लगते हैं और ये भी कहते हैं कि वो नहीं जानते कि ये आदमी को अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक जिंदा है तो ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है। ग्रैंडफादर जाते हुए सोचते हैं कि ये यदि जीवित रह भी गया तो भी इस पे बैड लक आएगा और ये कभी भी इसका हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रह पाएगा। आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा हुआ क्यों है। तभी सीईओ पूछता है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम यी को बचा सके? तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि है एक ऐसा तरीका कि हम बचा सकते हैं उसे, लेकिन पता नहीं तुम विश्वास करोगे कि नहीं करोगे। ग्रैंडफादर ये भी पूछते हैं कि तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है। तो सीईओ बताता है
कि वो मेरे बच्चे का फादर है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, कौन बच्चा, कैसा बच्चा, तुम ये क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है कि वो तुम्हारे बच्चे का फादर हो। सीईओ बोलता है कि मैं ही को बहुत सारी चीजों के लिए ओन करता हूँ और मैं उसे किसी भी तरह कंपनसेट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सीईओ बताता है कि ग्रैंडफादर, जो बच्चा अंदर है वो आपका ग्रैंडसन है और उसका नाम रू रू है। ग्रैंडफादर बहुत ही जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं, तुमने ये बात मेरे से कैसे छुपाई। और रू रू सोच रहा होता है कि आखिर ये किस टाइप की चीजें चल रही हैं यहाँ पर। और तभी ग्रैंडफादर थोड़ा सा कफ करते हुए बोलते, ठीक है आगे बताओ कि क्या बात है। खाने की टेबल पर सब बैठते हैं लेकिन रूरू का मन खाने का नहीं होता है, वो बस खाना देख रहा होता है। तभी सीईओ उसकी प्लेट में कुछ और भी खाना डालता है और बोलता है, तुम्हें खाना होगा जिससे तुम्हें एनर्जी आए। तभी रूरू ये सोचता है कि एनर्जी की तो वाकई में जरूरत है और वो फटफट खाने लगता है। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर सीईओ के बालों को काटने की तैयारी करते हैं और एक टुकड़ा उसके बाल का निकालते हैं जो कि उन्हें चाहिए होता है। कुछ बाल काटने के बाद वो उसे यी के पास ले जाते हैं और वहां पर एक कागज में कुड़िया सी बनाने लगते हैं। वो उसमें कई सारी चीजें डालते हैं, कुछ इसके बाल और कुछ टाइप के फूल, और उसके बाद वो उसको एक पोटली में बांध देते हैं। रूरू ये चीज देख रहा होता है और जब वो देखता है तो वो एक ताबीज के रूप में बन के निकल आता है जो ग्रैंडफादर की हथेली पे रखा होता है। और यी को ऐसा पड़ा हुआ देख के सभी को बहुत चिंता हो रही होती है और यी रूरू जो होता है वो खुश हो रहा होता है कि अब ये जो ताबीज है ये हेल्प करेगा। ग्रैंडफादर जो है वो ताबीज को यी पे रखते हैं और उसके सिर पे हाथ रखते हैं और कुछ तो मंत्र जैसा पढ़ते हैं और जो रूरू भी उनको बहुत आश्चर्यचकित आंखों से देखने लगता है और जो तावीज है वो फटाफट ग्लो करने लगता है और उसमें से एक रेड रंग का स्ट्रिंग निकलने लगता है जो रूरू को दिखाई देता है। और रूरू वो स्ट्रिंग को देख के बहुत चौंकावाचा रहता है और वो इस स्ट्रिंग को पकड़ भी लेता है अपने हाथों से। जब उसे पकड़ा होता है तो वो उसके साथ ट्विस्ट करके खेल रहा होता है और जो ग्रैंडफादर है वो रूरू को देख रहे होते हैं। और तभी वो पूछते हैं कि तुमने क्या देखा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है। तो रूरू बताता है, हाँ मैं देखो ये रेड रंग का स्ट्रिंग है दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्रैंडफादर को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। जो रूरू है वो स्ट्रिंग के साथ खेलने लगता है, कभी उसे पकड़ता है कभी छोड़ता है और फिर वो स्ट्रिंग जो है थोड़ा दूर चला जाता है और रूरू इस चीज को देखने लगता है। और सीईओ का जो हार्ट है उसमें भी अब कुछ होने लगता है क्योंकि ये उसके बालों से ही तो बना होता है। सीईओ का जो दिल होता है वो बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। सीईओ को लगता है जैसे किसी ने उसके दिल को पकड़ रखा होता है और उसे ऐसा लगता है कि क्या ये एक इल्यूजन है या ये वाकई में ऐसा हो रहा है। वो यी की तरफ देखता है और सोचता है क्या वाकई में ये चीज जो है वो यी को वाकई में अच्छा कर देगी क्या। तभी रूरू बोलता है कि जो ये रेड वायर है उसने वाकई में इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। तभी ग्रैंडफादर पूछते हैं, क्या तुम सच में श्योर हो कि ये जो रेड कलर की स्ट्रिंग है उसने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। रूरू बोलता है, हाँ इस स्ट्रिंग ने दोनों को कनेक्ट कर दिया है, देखो ग्रैंडफादर आप भी देखो। ग्रैंडफादर सोचते हैं कि वाकई में रूरू एक अलग टाइप का किड है और वो ये भी सोचते हैं कि ये कैसे ये सब देख सकता है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं, क्या रूरू तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कैसा दिखता है। रूरू बताता है कि जो ये स्ट्रिंग है वो पिंक कलर की है और ग्लो करती है, लेकिन वो उसे ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे वो इसे समझाए कि आखिरकार ये किस टाइप की दिखाई देती है। रूरू उस पिंक कलर के तार से खेलने लगता है। ग्रैंडफादर भी सीईओ से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ अजीब सा फील हो रहा है। रूरू यी के छाती के ऊपर हाथ लगाने ही जा रहा होता है तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम इसे नहीं छू सकते हो। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम इसे मत छुओ क्योंकि ये जो है वो यी के लिए है और यदि तुम छुओगे तो इसका जो पावर है वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हें इसे कभी भी नहीं छूना है। ग्रैंडफादर रूरू को बोलते हैं कि यदि तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक नया बना दूंगा, लेकिन ये वाला जो है ये यी का ही है। ग्रैंडफादर जो है सीओ को बताते हैं कि ये जो तावीज है वो मैरिज का तावीज है और मैंने तुम दोनों के मैरिज की पहले ही गणना कर ली थी और मैंने इस मैरिज को पहले से प्रपोज भी किया है। सीईओ को समझ में नहीं आता है कि इसके ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं और वो पूछते हैं कि ये जो ताबीज है शादी वाला ताबीज, ये क्या लोगों की जान भी बचा सकता है। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। ग्रैंडफादर जो है वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ खास प्रभाव डालेगा, लेकिन यी का जो फेट है वो कोई भी नहीं बदल सकता है, फिलहाल अभी ये ताबीज ही जो यी को है वो बचाए रख सकता है। जो इस वायर का जो ब्रिज है, क्योंकि अब ये वायर यी और सीईओ के बीच में कनेक्टेड है, तो जब जो सीईओ का जो गुड लक है वो थोड़ा बहुत यी को भी मिलेगा, ऐसा कुछ सीईओ सोच रहा होता है। ग्रैंडफादर बोलते हैं सीईओ की, यदि तुम दोनों इस ताबीज को पहने रहोगे तो धीरे से एक दूसरे के लिए तुम दोनों आकर्षित होगे और फिर एक दूसरे को प्यार करने लगोगे। यी अभी भी बेहोश होता है और उसे कुछ नहीं पता होता है कि आखिर ये लोग सब क्या बात कर रहे होते हैं। सीईओ को
को यी की चिंता हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि जब तक यी जिंदा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंडफादर उठते हैं और जाने लगते हैं। जाने से पहले वो सीए को बोलते हैं कि जब यी को होश आए तो वो उसे इस ताबिश के बारे में बताए, और तुम लोग याद रखना कि तुम दोनों के अलावा ये ताबिश कोई और कभी ना छुए। तभी ग्रैंडफादर को याद आता है कि उसने क्वीन फैमिली के साथ सीईओ की मैरिज को एंगेजमेंट के लिए कहा था। तभी वो सीईओ को कहता है कि तुम्हें ये जो एंगेजमेंट है और जो मैरिज है उसे क्वीन फैमिली के साथ कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम ई के साथ ही रहोगे। ऐसा कह के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, वहां जाके मैं मेडिटेशन करूंगा। सबके चले जाने के बाद सीईओ अपना हाथ बढ़ाता है और ई के सिर की तरफ ले जाता है और उसको छू के उसे देखने की कोशिश करता है कि कैसा है अभी। तभी की आंखें खुलती है और वो सीईओ को अपने बहुत ही नजदीक पाता है। ही कुछ देर तक तो सीईओ को देखता है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या रहा है, और फिर दोनों एक दूसरे को आंखों से देखने लगते हैं। तो दिखाया जाता है कि ही और सीईओ जो है वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ही की आंखें फटी होती हैं और उधर पे सीईओ की भी आंखें फटी की फटी होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे को ना देख के इधर उधर देखने लगते हैं। और तभी ई को थोड़ा सा डिजी फील होता है और वो सोचता है कि उसे क्या हो रहा है, और देखता है कि जो सीईओ है वो कोई लाल रंग के धागे में गठान लगाने की कोशिश कर रहा है। और वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो इस तरीके से, क्या तुम कोई गठान कर रहे हो? तो सीईओ बताता है कि ये जो है एक तावीज है जिस पर मैं गठान बांध रहा हूँ। और वो देखता है कि जो सीईओ है उसे गठान बांधना भी ठीक से नहीं आता, वो बहुत क्लमजी है करके, और बोलता है कि ये हो गया करके वो उस तावीज की गठान को दिखाता है जो कि बहुत अगली दिख रही होती है। तभी पूछता है कि मुझे इसे क्यों पहनना पड़ेगा। तो सीईओ को याद आता है कि ग्रैंडफादर ने कहा था कि ये मैरिज के लिए एक तावीज बनाया गया है करके, लेकिन वो ही को ये बात नहीं बता सकता है। तो वो बोलता है कि ये इसलिए तुम्हें पहनना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे और तुम हेल्दी रहो। ऐसा करके वो बात को वहीं पे काट देता है। और तभी सोचता है कि ये तावीज पहनने के लिए क्या तुम्हें लाइटें ऑफ करने की जरूरत है करके वो अपने मन में ऐसी बात सोचता है। और तभी उसको सिर में थोड़ा दर्द होता है और वो जो है सीईओ की तरफ आगे की ओर बढ़ता है और सीईओ उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है क्या? और तभी ये ही बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एमनीसिया है और मुझे कुछ होने वाला है। और वो अपने दिमाग पे हाथ लगा के देखता है सिर पे। और तभी सीईओ बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा टायर्ड हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और कोई घबराने वाली बात नहीं है करके। तो ये जो है वो बोलता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, क्या मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता नहीं रहे हो? और वो बहुत ड्रामेटिक बिहेव करता है। तो सीईओ को लगता है ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे टीवी पे बिहेव करता है करके। और सीईओ बोलते हैं नहीं, तुम मेरे पर भरोसा करो कि तुम सिर्फ टायर्ड और हेल्दी हो और कोई बात नहीं है। तभी ये बोलता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ मेरे बॉडी को, मेरे से बेहतर मेरे बॉडी को कोई नहीं जान सकता है करके। और बताता है कि रूरू भी जो है मेरे से ज्यादा एक्टिव है, मैं तो रूरू से भी कम्पीट नहीं कर सकता। तभी सीईओ बोलता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। और फिर इसी के बाद ये बोलता है कि तुम मेरे से इसलिए भी झूठ बोल सकते हो जिससे कि तुम रूरू को मेरे पास से ले जाओ और यदि मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें रूरू मिल जाएगा। और तभी सीईओ बोलता है कि तुम इस तरीके से बिहेव करोगे तो रूरू क्या सोचेगा इस बारे में। तभी उसे याद आता है ईगो की रूरू कहाँ है और वो पूछता है कि रूरू कहाँ है। वो अपना हाथ को बिस्तर पे रखता है और पूछता है तुम मुझे बताओ कि रूरू कहाँ है। और पूछता है सीईओ कि रूरू कहाँ चला गया है करके। सीईओ ये की तरफ शॉक से देखता है क्योंकि ये बहुत डेस्परेट लग रहा होता है। और फिर वो बताता है ये का हाथ पकड़ के कि जो रूरू है वो ग्रैंडफादर के साथ मेडिटेशन कर रहा है करके। ये बोलता है इतनी रात में, आधी रात में कौन मेडिटेशन करता है? तब ये बोलता है कि अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं करके। और तब ये सोचता है कि हाँ मैं बहुत देर तक सो गया था, और वो जाके लाइट को ऑन करता है। और सीईओ बोलता है कि तुमने पूरे दिन से कुछ खाया नहीं है, तुम कुछ खा लो नहीं तो तुम्हें कमजोरी महसूस होगी। सीईओ ये के लिए खाना लेके आता है। ये खाने की प्लेट को अपने सामने देखता है कि उसमें बहुत सारा खाना रखा है। और सीईओ बोलता है कि अब तुम अपना खाना खाओ।
और तभी ई अपना बड़ा सा मुंह फाड़ के खाना खाने लगता है। उसे खाना बहुत ही टेस्टी और यमी सा लगता है, तो वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। तभी सीए बोलता है कि ये पेस्ट्रीज भी खाओ, क्योंकि यदि तुम अभी नहीं खाओगे तो फिर तुम्हें रात में भूख लगेगी, इसलिए तुम खाओ। तो ई पेस्ट्री लेता है और खाने लगता है और सीईओ को थैंक्स कहता है। तो सीईओ ई को बहुत प्यार भरी नजरों से देखने लगता है कि वो कैसे खाना खा रहा है, और उसका फोकस तो उसी पे होता है। जो सीईओ की पर्सनैलिटी है वो लवेबल है, हैंडसम है, क्यूट है, चार्मिंग है। और दूसरी तरफ जो ई है उसको कुछ भी मैनर्स नहीं है, वो टेबल पे कैसे भी खा लेता है, उसके मुंह के ऊपर भी कहीं आजू बाजू खाना लगा रहता है। तो ये एक दूसरे के बारे में ऐसा सोच रहे होते हैं। सीईओ बोलता है कि तुम धीरे धीरे खाओ, सारा खाना तुम्हारा ही है, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है। ई सीईओ की सारी बातें सुनता है और वहां पर बैठता है, और फिर उसके बाद सोचता है कि जब मैं रूरू के साथ बात कर रहा था तो मुझे कितना गुस्सा आया था, और मैंने कभी इतना गुस्सा कभी भी नहीं किया है, मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाया। फिर वो अपना खाना पूरा खत्म कर लेता है और सोचता है कि क्या सीईओ वाकई में इंगेज्ड है। अपना बॉक्स खाना खाने के बाद वो टेबल पे रखता है। तभी सीईओ बोलता है कि मैं टेबल तुम्हारा साफ करता हूँ, वो खाने की प्लेट को उठाने लगता है करके। ई सोचता है कि मुझे सीईओ से डायरेक्टली इंगेजमेंट के बारे में पूछना चाहिए, लेकिन फिर वो भी सोचता है कि क्या मैं इससे डायरेक्टली पूछूं, क्या ठीक लगेगा वो, और फिर ये उसका पर्सनल मैटर भी है, क्या मुझे वाकई में इससे डायरेक्टली पूछना चाहिए, लेकिन मैं वाकई में जानना चाहता हूँ कि ये बात कहाँ तक सच है। और वो फिर सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और तभी सीईओ बोलता है कि तुम्हें वो जो ताबीज है पूरा समय पहने रखना है करके। और सीईओ बैठते हुए बोलता है कि तुम इसे किसी और को छूने भी नहीं दे सकते हो। तो ही बोलते हैं कि किसी और को छूने नहीं दे सकते तो क्यों नहीं छूने दे सकते। और तभी क्या कहते हैं सीईओ जो हमारे है वो सोचने लगता है कि वो क्या जवाब दे करके। तो वो बोलता है कि मैं छू सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें क्या कहते हैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन कोई और नहीं छू सकता, तुम और मैं ही सिर्फ ये छू सकते हैं। तो ये पूछता है क्यों, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। और वो पूछता है कि क्या रूरू भी नहीं छू सकता है, तो वो बोलता है नहीं रूरू भी नहीं छू सकता है, और ये भी बोलता है कि तुम किसी और को भी छूने नहीं दे सकते हो। ऐसा करके सीईओ फिर यी को रूरू के पास ले जाता है। जब वो दोनों पूछते हैं देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो दोनों देखते हैं कि ग्रैंडफादर और रूरू जो है वो मेडिटेशन करने में बैठे हुए हैं। वो दोनों का ध्यान इतना होता है अपने मेडिटेशन में कि उनको आसपास की चीजों के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, और वो सारा डिस्ट्रैक्शन जो है वो अवॉइड करते हैं। और ग्रैंडफादर बता रहे होते हैं कि तुम अपनी एनर्जी को कैसे रेगुलेट कर सकते हो, तो ब्रीदिंग को इनहेल करना और एक्सहेल करना है करके वो रूरू को सिखा रहे होते हैं। और तभी वहां पर एक बेल भी बजती है, लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी मेडिटेशन कर रहे होते हैं। और फिर दोनों मेडिटेशन करते करते बैठे बैठे ही सो जाते हैं। अब ये जो है यहाँ पर एक किसी को फोन आता है, और मैनेजर पूछता है कि क्या हुआ, और फिर मैनेजर बोलता है ठीक है मुझे अभी बात पता चल गई है, आगे भी इन बातों के बारे में तुम पता करो और मुझे बताओ, और बॉस को भी ये बात बताना करके। दोनों बैठ के ग्रैंडफादर और रूरू को देख रहे होते हैं, और तभी ये बोलता है क्या वो सो रहे हैं, तो सीईओ बोलता है नहीं वो लोग जो है मेडिटेट कर रहे हैं, और दिखाया जाता है कि ये दोनों जो है एक्चुअली सो रहे होते हैं। तो ये बोलता है मुझे लगता है ये लोग सही में सो ही रहे हैं करके। और तभी सीईओ बोलता है कि नहीं वो लोग मेडिटेट कर रहे हैं। तो ये बोलता है अरे नहीं तुम अपनी आंखें खोलकर देखो कि ऑब्वियसली सो रहे हैं। और तभी सीईओ बोलता है मैंने कई बार ग्रैंडफादर से पूछा था कि आप ऐसे कैसे मतलब काम रहते हैं और आप उसको सो भी जाते हैं और आप फिर एडमिट नहीं करते हैं, तो ग्रैंडफादर ने कहा था कि मैं जो हूँ वो मेडिटेट ही कर रहा होता हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ करके। और तभी ही बोलता है कि ये जो स्लीपिंग पोस्चर है वो रूरू के लिए ठीक नहीं है, उसके स्पाइन पे प्रेशर पड़ेगा कहेगा पड़ेगा। तो ये बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ कि रूरू को बिस्तर पे ले जाता हूँ। तभी सीईओ अपना फोन निकालता है और दिखाता है कि हमें फोन का यूज करना पड़ेगा, और तभी वो रिकॉर्ड करता है कि कैसे जो उसके ग्रेट ग्रैंडपा हैं वो डिनाई करेंगे इस बार कि वो सो नहीं रहे थे। और तभी दरवाजा खुलता है
और जो ग्रैंडफादर है वो अभी भी सो ही रहे होते हैं। और तभी ये दोनों वहां जाते हैं और बोलते हैं कि ग्रैंडफादर मैं आपको बिस्तर पे ले जाता हूँ, और ये बोलता है कि रूरू चलो हम जाके सोते हैं। तभी ग्रैंडफादर उठ जाते हैं और रूरू भी एक साथ उठ जाता है, और तभी वो लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग अभी भी मेडिटेट ही कर रहे हैं, वो लोग सोए नहीं थे। तो सीओ बताता है देखो ग्रैंडफादर मैंने रिकॉर्डिंग भी की है और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आप दोनों सो रहे थे, तो आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है और अब आपको बिस्तर पे जाना चाहिए। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम लोग ने आके मेरा कल्टीवेशन जो है वो डिस्टर्ब किया है करके। और रूरू भी बोलता है कि मैं भी सो नहीं रहा था, मैं भी मेडिटेट कर रहा था और तुम लोगों ने मेरा मेडिटेशन जो है वो डिस्टर्ब किया है। दोनों एक ही बात बोलते हैं। और तभी ये दोनों जो है ये और सीईओ वो ग्रैंडफादर को देखते हैं और वो जो है बड़े अजीब तरीके से उसको देखते हैं कि देखो कैसे झूठ बोल रहे हैं, और रूरू को भी गिल्टी सा फील होता है क्योंकि वो भी झूठ बोल रहा होता है। तभी सीओ बोलता है कि अपने आप को फोर्स मत करो, यदि आप सो जाओ तो जाके ठीक से बिस्तर में सो जिससे कि आपका जो पोस्चर है वो ठीक रहेगा। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है प्रैक्टिस करने के बारे में, और सीओ बोलता है कि मैं तुम्हें बिस्तर में और तुम्हारे कमरे में ले जाता हूँ। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हें तुम्हारी पिटाई करना चाहता हूँ करके। और फिर दिखाते हैं कि चाय के कप और चाय का पॉट रखा होता है जिसमें काफी सारी चाय भरी होती है और सब लोग मिलके चाय पी रहे होते हैं, और रूरू जो है वो अभी भी रेड रंग के स्ट्रिंग से खेल रहा होता है जो दोनों से कनेक्टेड है, और वो खेलता ही चला जाता है। तभी रूरू देखता है कि क्या हो रहा है और रूरू उसमें कुछ वो जो बच्चे धागों से खेलते वैसा कुछ बना देता है, और जो ग्रैंडफादर है वो उठते हैं और देखते हैं कि रूरू भी कुछ कर रहा है करके, रूरू बोर हो रहा होता है। तभी रूरू को ग्रैंडफादर के कमर में एक जेड पेंडेंट जो होता है वो दिखाई देता है, और वो पूछता है ग्रैंडफादर ये क्या है करके। तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो बताते हैं कि ये जेड पेंडेंट है जो उनके पूर्वजों ने उन्हें दिया है करके, और वो उसको अपना जेड पेंडेंट दिखाते हैं। तभी रूरू बोलता है क्या मैं इसे छू सकता हूँ, ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो ये बोलता है कि रूरू तुम जो हो वो बहुत नॉटी हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि नहीं ठीक है रूरू को देखने दो क्योंकि रूरू का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, वो सही चीजें पहचान लेता है करके। और ग्रैंडफादर अपना पेंडेंट अपने हाथ में लेके रूरू की तरफ बढ़ाते हैं, रूरू उस पेंडेंट को देखता है और बोलता है कि ये बहुत सुंदर है करके, और फिर वो उसे देखता ही रहता है। और वो बोलता है कि ग्रैंडपा ये जो है पेंडेंट वो शाइन हो रहा है और ये सच में बहुत सुंदर दिखाई देता है। और तभी सीओ बोलता है कि ग्रैंडपा आप भी ये पेंडेंट को पहनते हो हमेशा और ये किस ओरिजिन का है करके, लेकिन रूरू का पूरा ध्यान पेंडेंट पे ही होता है। और तभी जो ग्रैंडपा है वो बताते हैं कि ये जो हमारा जेड पेंडेंट है वो हमें जनरेशन टू जनरेशन दिया गया है। रूरू का ध्यान अभी भी उसी पेंडेंट पे होता है और वो सोचता है कि ये कितना प्रीशियस है मतलब करके और ट्रेजर है। और वो ये भी बताते हैं उसके ग्रैंडफादर की बाकी सारे जो अच्छी चीजें थी वो सब खो गई है, सिर्फ ये एक ही बचा है और ये 1000 ईयर्स पुराना है। और तभी को शॉक लगता है सुन के कि ये पेंडेंट 1000 ईयर्स पुराना कैसे है। तो रूरू जो है ग्रैंडफादर के हाथ पे रखे हुए पेंडेंट को टच करता है, और जैसे ही टच करता है उसे बहुत कोल्ड और आइसी सा फील होता है, और उसके अंदर ना कुछ एक जली जैसा आइटम होता है जो उसे बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। तो वो उसे बार बार पोक करता है और छूता है, और तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम इसे क्लोजर लुक से भी देख सकते हो, लेकिन उसमें से धीरे धीरे कुछ जली जैसा आइटम बाहर निकल रहा होता है, और जो रूरू है वो उस जली जैसा आइटम को पकड़ लेता है और उसको पेंडेंट से बाहर ही निकाल लेता है। और जो पेंडेंट है अब उसकी जो शाइन होती है वो डिम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर से जो जेली जैसा आइटम है वो रूरू के हाथ में हो रहा होता है, और जो पेंडेंट है वो क्रैक भी हो जाता है। और तभी ग्रैंडफादर पूछते हैं क्या तुम्हें इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, और वो देखते हैं कि पेंडेंट क्रैक हो गया है और वो पेंडेंट क्रैक होता हुआ उन्हें आराम से दिखाई दे रहा होता है।
जो ट्रांसपेरेंसी चीज निकलती है वो रूरू के हाथ में स्ट्रगल करने लगती है, और रूरू बोलता है कि तुम स्ट्रगल मत करो करके। सब लोग हंसी खुशी बात कर रहे होते और जो ग्रैंडफादर है वो अपने पेंडेंट को भी देख ही रहे होते हैं। और उसके बाद वो देखते हैं कि जो पेंडेंट है वो वैनिश सा होने लगता है, यानी गायब सा होने लगता है, और रूरू भी इस चीज को देखता है। रूरू को बहुत ही गिल्टी फील होता है कि उसने उसके अंदर से एक जेली जैसी चीज जो थी वो निकाल ली है। रूरू उस जेली जैसी चीज को अपने पीठ के पीछे छुपा लेता है, और ग्रैंडफादर सोच रहे होते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया और ये अपने आप ही कैसे टूट गया करके। तभी रूरू अपने ग्रैंडफादर के पैर के ऊपर टैप करता है और जाने लगता है उतर के। तभी सीओ बोलता है कि ये भी हो सकता है कि बहुत ओल्ड था इसलिए टूट गया हो, लेकिन रूरू पीछे से इसने की वे में निकल रहा होता है। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम फालतू की बात मत करो, ऐसा नहीं हो सकता है, और कि कैसे वो टूट जाएगा अचानक, और ऐसी फालतू की बात बोलने की हिम्मत भी मत करो। मैं मुझे पता है कि मॉर्निंग में ये ठीक था, लेकिन अब वो उसकी जो एनर्जी है वो जा चुकी है करके। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 1000 ईयर्स की थी और अब वो 1 मिनट में चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है। और सीईओ बोलता है कि आपने ऐसी सिचुएशन क्या पहले कभी एनकाउंटर की है क्या। और रूरू जो है बड़ा गिल्टी हो रखा होता है, क्योंकि रूरू ने ही वो चीज को निकाला होता है लेकिन वो बोलता नहीं है। और तभी वो बोलता है, जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कि ये तो हमारे जनरेशन से हमें मिली है और ये एक बहुत ही आई ओपनर है कि ऐसा हुआ है। और तभी ये बोलता है क्या वो सच में बहुत रेयर था, और रूरू बोलता है हाँ, अपने मन में बोलता है कि हाँ ये एक बहुत ही रेयर चीज थी। और तभी और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं उसे जाने नहीं दे सकता, मुझे पता करना होगा कि ये कैसे गायब हो गई है, मैंने ऐसी चीज कभी भी एनकाउंटर नहीं की है करके, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो गया है। ग्रैंडफादर को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होती है। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक है, मैं जा रहा हूँ और मैं जाके एंशियंट कोड्स को पढ़ूंगा मेरे स्टडी में, और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो करके। ये ग्रैंडफादर इन सबको डिसमिस कर देते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रूरू और यी बात कर रहे होते हैं। यी बोलता है कि हम लोग कल मॉर्निंग में चले जाएंगे, तो तुम्हें अपने बैग्स को पैक कर लेना चाहिए। रूरू बोलता है ठीक है, मैं अपने बैग को पैक कर लूंगा, लेकिन रूरू अपने हाथों में पीछे कुछ छुपा रहा होता है, और वो यी को देखता है कि वो अपना सामान पैक कर रहा है करके। और तभी वो पीछे मुड़ता है और उस जली जैसी चीज को देखता है, और उसे अपने हाथ में टाइटली पकड़ रखा होता है और उसे स्ट्रेच कर रहा होता है, और फिर उसे वापस स्ट्रेच करके वापस सुकोड़ भी रहा होता है। तभी ये जो है उसके पीछे खड़ा होता है और पूछता है कि रूरू तुम किस चीज के साथ खेल रहे हो करके। तो रूरू एकदम से चौंक जाता है, और रूरू बोलता है कि मैं तो अपना स्मॉल बैग जो था वो पैक कर रहा था। और तभी ये बोलता है नहीं, तुम जल्दी करो और मुझे बताओ कि तुम्हारे हाथ में पीछे क्या है करके। तो रूरू जो है वो हिलने की हिम्मत नहीं करता, सोचता है ठीक है मैं इसे बताता हूँ। और तभी वो बताता है कि कुछ तो बहाना देने वाला होता है, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर जा रही होती हैं, मतलब कि झूठ बोलते वक्त जैसे जाती है। और तभी ये बोलता है क्या तुम अपनी पीठ के पीछे कुछ छुपा रहे हो, क्या वो खाना है, क्या तुम मुझे दिखाना चाहोगे। तो रूरू बोलता है नहीं, वो खाना नहीं है करके। तो वो पूछता है तो फिर क्या है जो मुझे तुम बता नहीं रहे हो और तुम इतना सीक्रेटली बिहेव कर रहे हो करके। तो रूरू बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन तुम ग्रैंडफादर को ये बात नहीं बता सकते हो। तो ये बोलता है ठीक है नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ क्या तुमने ये चीज उनकी परमिशन के बिना ली है करके। तो रूरू बोलता है लेकिन तुम्हें ये सीक्रेट रखना पड़ेगा, और उसके हाथ में वो चीज देता है करके। तभी ये सोचता है कि क्या सीक्रेट, कौन सा सीक्रेट, और ये क्या एयर मेरे हाथ में दे दी है। उसको अपना हाथ खाली ही दिखाई देता है, लेकिन रूरू को बराबर दिखाई दे रहा होता है कि उसने एक जली जैसी चीज को यी के हाथ में रखी है जो हिल डुल रही है। और तभी वो बोलता है कि यी तुम इसे जल्दी से अपने हाथ में मुट्ठी में बांध लो और इसे तुम भागने मत देना। तो यही सोच रहा होता है कि क्या ग्रैब करना है, लेकिन फिर भी वो मतलब सबकॉन्शियसली यानी
सबकॉन्शियसली को हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब वो फिर भी उसकी बात को सुनता है और उसको मुट्ठी में बीज लेता है, ग्रिप कर लेता है, और उसे समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है, लेकिन रूरू को दिखाई दे रहा होता है कि कोई चीज फ्लोट कर रही होती है और वो चीज जो है यी के अंदर एंटर कर रही होती है, और वो जो जेली जो है वो यी के अंदर एंटर कर चुकी होती है, और यी को बहुत फ्रेश सा महसूस होने लगता है, और वो बोलता है कि उसे बहुत रिफ्रेश महसूस हो रहा होता है, और रूरू बोलता है कि अरे वो शाइनिंग वाली चीज जो है वो डिसअपियर हो गई है, और तभी बोलता है कि रूरू बताता है कि वो शाइनिंग एल्फ है जो चला गया है, और यी पूछता है कि वो क्या होता है करके, और तभी रूरू उसको कुछ समझाता है लेकिन यी को कुछ समझ नहीं आता है, और फिर दिखाते हैं कि सबके बैग पैक हो गए हैं और सब जाने के लिए निकल पड़े हैं, और वो बोलता है, रूरू पूछता है कि यी तुम्हें कैसा अब लग रहा है करके, तो यी बताता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी जो स्पिरिट है वो भी बहुत हाई है, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, और मैं इतना कंफर्टेबल कभी भी नहीं था, और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी जो पल्स हैं वो ली थी दूसरे दिन, और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ तुम्हारे फिजिकल कंडीशन के बारे में, तो यी बोलते हैं हाँ ठीक है आप मुझे बताइए, और वो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम ज्यादा नाराज मत होना, तुम्हें पीसफुल रहना पड़ेगा, तुम्हें एंग्री नहीं होना पड़ेगा, और अपने इमोशंस को तुम इफेक्ट नहीं कर सकते हो। तो सब लोग ग्रैंडफादर की बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं, और ग्रैंडफादर ये भी बोलते हैं कि यार तुम ज्यादा देर रात में नहीं जाग सकते हो, तुम्हें अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने स्टमक का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम अल्कोहल भी नहीं ले सकते हो, और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस देते हैं, और फिर ग्रैंडफादर ये भी बोलते हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम्हें अपने लाइफ में हर चीज को ढंग से करना पड़ेगा, और तभी यही सोचता है कि वो तो वैसे भी सब चीज अच्छे से ही करता है, वो स्मोक भी नहीं करता है, डिस्को भी नहीं जाता है, ड्रिंक भी नहीं करता है, और फिर भी वो बोलता है कि ठीक है मैं सब ठीक ध्यान रखूंगा, और फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक है तुम लोग अब जाओ, सब जाओ और अपना ख्याल रखना, और तभी दिखाते हैं कि मंडे आ चुका होता है और 7:15 हो रहे होते हैं, और कोई सॉरी बोलता है, जो मैनेजर है वो सॉरी बोलता है, और देखता है कि जिस नंबर पे उसने कॉल किया था अब वो नंबर चल नहीं रहा है, और कहा जा रहा है कि तुम बाद में इस नंबर पे कॉल करना करके।